हाय फ्रेंड्स, कैसे आप? फाइनली मैं आपके एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स आपसे बता दूं कि ये आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम जो कि ना हो, जो कि नुके वाईफाई रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक इसी वीडियो के इनके कमेंट में एक वीडियो का लिंक मैं पिन कर दिया, प्लीज जाकर उसे इनकी जरूर देखिएगा और जरूर उसे इनकी चैनल को जाकर मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है, और आप सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सभी को स्किप करना है कि वीडियो को, तो अभी यानी छोड़कर चले जाइए, ना तो फ्रेंड्स फुल आपको वॉच करिए वीडियो, तो यानी कि आप सभी की बातें समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले यानी प्रॉब्लम बता देते हैं। मैं इनकी एक वीडियो जो कि बनाया था, आप सभी सपोर्ट ऑफ 200 यानी व्यू हो गया है, तो फ्रेंड्स वही प्रॉब्लम इनकी मेरे साथ फिर आया है, ठीक है। इनकी कौन सा वीडियो आईकन पर लगा दूंगा, प्लीज चेकआउट कर सकते हैं, और उससे पहले प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे बता दूं कि अचानक से फ्रेंड्स मेरा राउटर था ना, वो इनके ऑटोमेटिक से फ्रेंड्स इनकी उसका पासवर्ड इनकी चेंज हो गया, ठीक है। मगर फ्रेंड्स कोई दोस्त ने इनकी उसको चेंज नहीं करा, मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी बोलते होंगे कि दोस्त ने इनकी चेंज करा, वैसा नहीं है फ्रेंड्स, इनकी ऑटोमेटिक से फ्रेंड्स मेरा पासवर्ड जो कि चेंज हो गया। और क्या है कि फ्रेंड्स मैं एक SSID जो कि इनेबल करे हुए थे उस राउटर में, तो फ्रेंड्स इनके हमारा पासवर्ड इनकी चेंज हो गया, तो हमारा वाईफाई जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। इनकी बोले कि इनकी न्यू पासवर्ड इनकी मांग रहा था, उसके बाद क्या करे, इनके मैं भी इनके ट्राई करे यार, बहुत बार इनके ट्राई करें, मैं सोचा कि इनकी इसे रिसेट भी करना पड़ेगा। तो इनकी आपसे बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सभी को फिर रिसेट नहीं करना पड़ेगा, उसका मैं टोटल जो कि प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या जो कि प्रोसेस है। और बिना रिसेट करे आपका इनके मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है आपका वाईफाई, तो कैसे इनकी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि एक तो इनकी ये ऑप्शन है कि आप SSID जो कि इनेबल करे हुए है, तो उस SSID के थ्रू आप कनेक्ट कर होम पेज इनकी खोल कर, और उससे फिर से डिफॉल्ट पासवर्ड इनकी बन जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक से फिर 1 से लेकर 8 तक इनके पासवर्ड बन जाता है, और फिर से इनकी बोले इनकी आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, जो कि कट जाता है इनकी वाईफाई, जो कि पहले वाला जो कि पासवर्ड था ना, वो इनकी कट होकर और आपका वाईफाई इनकी नहीं आपके मोबाइल में इनकी बोले इनकी चलता है। तो फिर आपके पास अगर SSID 2 इनेबल करे हुए राउटर में, तो प्लीज SSID 2 के मदद से आप होम पेज खोलकर और SSID 1 के इनके बोले इनकी क्लियरफाई इनकी कर यानी कि चला सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास इनकी SSID इनेबल नहीं है, तो फ्रेंड्स क्या करें, हमारे इनकी एक भी इनके मोबाइल में कनेक्ट नहीं है, तो होम पेज इनकी कैसे खुलेगा, ठीक है। आप सबको बता दें फ्रेंड्स, होम पेज इनकी हमारा उसी वक्त खुलता है जिस वक्त इनके हमारे मोबाइल फोन में बोले इनकी वाईफाई कनेक्ट होता है, ठीक है। वो भी फ्रेंड्स उसी वाईफाई इनकी कनेक्ट होने होगा, तो इनके उसके राउटर का होम पेज खुलेगा, तो इनके हम पासपोर्ट अथवा बोले इनके मैक एड्रेस तो कुछ भी इनकी कर सकते हैं। मगर फ्रेंड्स एक भी इनकी वीडियो इनकी सॉरी मैं वीडियो बता रहे हैं कि एक भी हमें मोबाइल फोन में इनकी बोले इनकी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स इनकी कैसे राउटर खोलता है आपसे बता दें। फ्रेंड्स इनकी रिसेट नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन बचता है जो रिसेट करेंगे तो ही बनेगा, मगर फ्रेंड्स आपसे रिसेट नहीं करिए। मैं भी सोच रहा था कि मुझे इनकी राउटर रिसेट करना पड़ेगा, आप उसका फ्रेंड्स डिफॉल्ट पासवर्ड रखें, ठीक है, उसको फॉरगेट कर दीजिए और इनके डिफॉल्ट पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक इनकी रखिए, आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिना रिसेट करे हुए, ठीक है। फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम फिलहाल आ रहा है मेरे राउटर में हुआ, तो इसी कारण मैं आपके साथ इनकी शेयर कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ इनकी अगर हो जाता तो मैं तो बोलिए इनके फ्रेंड्स उतना जो कि दिमाग लगा कर मैं सोचे कि यार बिना रिसेट करे जो कि कैसे इनकी इसको कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इनके ट्रिक्स मैं बता दी, SSID इनेबल है तो माजा से कर सकते हैं, अगर SSID इनेबल नहीं है तो फ्रेंड्स आप रिसेट करना पड़ेगा, तो बहुत ही दोस्तों रिसेट भी कर देंगे यानी घबरा करके, हमारा वाईफाई की नहीं चल रहा है तो रिसेट करेंगे तो हमारा यानी बोलेंगे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। परंतु फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर बता दिया, आप डिफॉल्ट पासवर्ड रखिए, 1 से लेकर 8 तक इनके वाईफाई में पासवर्ड रखिए, ठीक है, आपका वाईफाई इनकी कनेक्ट हो जाएगा और फिर से आप होम पेज इनकी खोल सकते हैं, और खोलने के बाद आप फिर से इनके अपने SSID के इनकी पासवर्ड न्यू लगाइए और उसे कनेक्ट करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यही सिंपल और छोटा आपके साथ नॉलेज शेयर करा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत खुशी लगा, आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, अगर होगा तो ऐसे करके फिक्स कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको राउटर को भी रिसेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ में फ्रेंड्स हमारे चैनल संतोष परवाना ऑफिशियल पर नए थे, कृपया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप इनके सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स मैं बताया कि कमेंट में पिन है एक वीडियो का, मैं कर दिया हूँ, प्लीज आकर चेकआउट जरूर कर सकते हैं, कोई भी सलाह हो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए और वीडियो का लंबा ना करते यही पिन करना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।